तो साइंस हब के इस अंक में आज हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए कैलिफोर्निया का एक स्टार्टअप कनाडा की कंपनी के साथ मिलकर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे कॉन्सेंट्रेट करके स्टोर करने का प्रयास कर रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है और इससे निपटने के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने में चट्टानों का इस्तेमाल करने वाले कैलिफोर्निया के एक स्टार्टअप ने एक कनाडाई कंपनी के साथ मिलकर ये दावा किया है कि वो पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर कंक्रीट में इकट्ठा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मौजूदा उत्सर्जन के अलावा वातावरण में पहले से मौजूद अरबों टन कार्बन को हटाना जलवायु परिवर्तन को सीमित करने के लिए जरूरी है। ऐसा करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, पहला प्रकृति या प्रौद्योगिकी के साथ कार्बन को पकड़ना और दूसरा इसे सदियों तक बंद रखना। कंपनियां दोनों विकल्पों के लिए आगे बढ़ रही हैं। कनाडा की कार्बन की ओर कंपनी ठोस सामग्री के साथ CO2 को मिलाती है और इसे मिनरल में बदल देती है जो कंक्रीट को मजबूत बनाती है और सीमेंट की आवश्यकता कम कर देती है। चूना पत्थर में वातावरण से कार्बन को बाहर निकालने की प्राकृतिक क्षमता होती है, लेकिन परेशानी यह है कि काफी स्लो होता है। इसलिए हम यहाँ जो कर रहे हैं वह इसे और तेज बना देगा ताकि यह कार्बन को बहुत अधिक तेजी से खींच सके। CO2 को स्टोर करने के लिए चल रहे इस प्रयास में मिल रही सफलता हमारे पर्यावरण को आने वाले खतरे से बचाने के लिए सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।